हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। दिस इज़ योर हरपाल सिंह अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। यस, आज फिर हम वापस आ गए हैं जी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके। आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। जी हाँ, एक रिसेंटली खुशखबरी जो दी गई है, इट वाज अनाउंस्ड दैट बाय IRCC डिक्लेयर किया गया है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग विजिट वीज़ाज हैं दैट विल बी प्रोसेस्ड एंड क्लोज बाय February 2023। जी हाँ, दिस इज़ वॉट वॉज सेड, तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एज ऑफ नाउ। सो विल डिस्कस अबाउट इट टुडे। इसके बारे में आप बात करेंगे जी, क्या है, क्या करेंगे वो, कैसे करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज एंड कमेंट्स, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो। ठीक है जी, चलो विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी कैनेडा के बारे में। कनाडा ने रिसेंटली IRCC ने अनाउंस किया है कि जितने भी विजिट वीज़ाज़ हैं उसका जो बैकलॉग है या जितने प्रोसेसिंग में है, हम मैक्सिमम नंबर जो है उसमें कम कर दिए जाएंगे बाय February 2023। आपको पता है पेंडेमिक के बाद बहुत तकड़ा बैकलॉग था, हैवी बैकलॉग था। स्पेशली अभी भी बैकलॉग है थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल कम हो गया काफ़ी। और अगर मैं विजिट वीज़ा की बात करूं तो उसका काफ़ी था, लोगों के साल साल भर से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अगर आए भी हैं तो पॉजिटिव नहीं आई हैं। बहुत रेयर लोगों का पॉजिटिव अपडेट आया है। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग दैट दे गोना प्रोसेस ऑल द वीज़ाज़ बाय February 2023, एंड ऑफ फेबररी। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे जी? देव टुक टू स्टेप्स, उन्होंने एक जिस प्लान किया जी, एलिमिनेशन ऑफ अनाउंस्ड बाय कैनेडा। ठीक है जी, विजिट वीज़े की एलिमिनेशन की, दैट्स व्हाट दे अनाउंस्ड। ठीक है, विजिट वीज़े के लिए अब इन्होंने क्या करना है जी, और एक तो प्रोसेसिंग करेंगे, दूसरा जो एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है विजिट वीज़े की, वो भी रिलैक्स कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स होती थी थोड़ी सी उसमें इजीनेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो अगर ये जो जो प्रोसेस हैं इसके चलते दे विल बी गिविंग बेनिफिट टू 5 लाख एप्लीकेंट। जी हाँ, 5 लाख लोगों के वीज़ाज प्रोसेस ऑलमोस्ट कर दिए जाएंगे, मोर देन दैट। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, इन स्टेप से पहले फेज में जो क्या करेंगे जी, 1,95,000 वीज़ा जो है वो प्रोसेस किए जाएंगे, एप्लीकेट्स जो हैं जितने भी वीज़ाज में हैं पहले फेज में, जो स्टेप के बात करूँ मैं। ठीक है जी, और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये करेंगे जी, वो जो इजीनेस है, जैसे मैंने बात की आपको कि रिक्वायरमेंट ईज कर दिए जाएंगे, वो 4,50,000, 4.5 लाख के करीब लोगों के प्रोसेसिंग की जो है रिक्वायरमेंट्स ईज करके उनको प्रोसेस किया जाएगा। सो इन ओवरऑल 6 लाख के करीब आपके वीज़े जो है प्रोसेस कर दिए जाएंगे, और आई होप इतना शायद बैकलॉग होगा, सो वी गना गेट दिस फिनिश्ड ऑफ बाय फेबरी एंड, दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। अब उसमें एक और भी स्टेप्स ले रही है जी कैनेडा एम्बेसी, वो है जी दे आर री लॉन्चिंग फ्लैग पोल। हाँ जी, फ्लैग पोल क्या होता है जी, व्हेन अ पर्सन लीव्स यूएस, जब भी कोई बंदा यूएस छोड़ के कनाडा एंटर करता है, चाहे वो स्टडी वीज़े के लिए एंटर करे, चाहे वो वर्क वीज़े के लिए या रिन्यूअल के लिए, या फिर इवन अपनी PR के लिए एग्जिट करके एंटर करते हैं, तो उसको फ्लैग पोल कहते हैं। सो कनाडा जी, एक खुशखबरी है, दे आर अगेन री लॉन्चिंग दिस। ठीक है, वो पहले बंद भी कर दिया था बीच में, अब फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं, सो दैट पीपल कैन रिन्यू देयर वर्क वीज़ाज और स्टडी वीज़ा जो भी है। ठीक है, दे कैन डू इट नाउ। सो ये पीयर प्रोसेस में भी हेल्प करता है, एज यू नो पीपल इन कैनेडा दे मस्ट नो दिस। ठीक है जी, बट ये और सभी चीज़ें जो होंगी फॉर फ्लैग पोलिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दोनों चीज़ों पर। ठीक है ना, और तीसरी अगर बात करूँ तो कैनेडा अगेन नाउ दे आर अलाउंग टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। जी हाँ, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं एंड इन कैनेडा और उनके पास वर्क ऑफर है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर है वहाँ के एम्प्लॉय का, तो दे डोंट नीड टू लीव कैनेडा एंड दे कैन अप्लाई देयर वर्क वीज़ा बाय स्टेइंग देयर इन कैनेडा। ठीक है जी, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके चलते कैनेडा जो है अपना बैकलॉग जो है, स्पेशली फॉर अगर बोला जाए विजिट वीज़ा, वो कम करेगी, और एक्स्ट्रा इजीनेस के लिए दे हैव फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्क वीज़ा दे टुक दीज स्टेप्स। एक तो फ्लैग पोल लॉन्च कर दिए है जी दोबारा, दूसरा आप अपना वर्क वीज़ा जो है, सॉरी विजिट वीज़ा है, वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है जी, और बात करूँ टूरिस्ट की, तो जैसे बोला कि
कि रिक्वायरमेंट ईज कर देंगे, और दूसरा दिवली प्रोसेसिंग यू नो ऑलमोस्ट 1,95,000 एप्लीकेशंस इन फेब्रुअरी, और 4.5 लाख जो ईजी करने के बाद प्रोसेस कर देंगे। सो ओवरऑल 6-7 लाख यू नो फाइलें प्रोसेस कर दी जाएंगी, माइट बी दैट इज द टोटल। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर टुडे, यू नो विद दिस थ्री गुड न्यूज़, थ्री पॉइंट्स आई वुड यू नो क्लोज दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, इफ़ यस यूज़ वाइसली। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर, थैंक यू।